जो हम कि हर कार्यक्रम में सुने पुगल जात और देखा जात हमरे कि जोन मंतव्य दे वाले वक्ता लोगन हने उस सब भी काले हमन के समाज के विकृति हटाए के प्रयास कल जात बा हट गिल बा कह के कहने बकिन का वहाँ के यदि कोनो भी वक्तव्य रहे ते हमन के व्यवहार में कार्यान्वयन हो नहीं सकले बा और ते हमन के आज के युवा लोगन भी ध्यान देख पड़े कि हमन के समाज में कितना विकृति विसंगति बा ते इस संबंध में हमारे चर्चा करे खातिर आज हमारे एक समाज सेवी के बुलाई गई बा जोन की तिलोत्मा नगर पालिका और नंबर 17 के जमाने के बासिंदा एक समाज सेवी कहल जी रीता चौधरी हमारे वहाँ से बातचीत कर जी ते कार्यक्रम में आपकी स्वागत बा धन्यवाद। हाँ ते वैसे हमने के जोन समाज में तमाम प्रकार के हमारे विकृति विसंगति बा घटना इसने हर एक जगह में हमारे पाल जाते हर एक गाँव में अति हर एक जगह में जोन के हमने के समाज में दहेज कहल जा विशेष कह के जर गढ़ले बा और हमारे बाल विवाह कहल जी पहले और आज के तुलना में हट गए बा ऐसे हमन के तमाम प्रकार के विकृति विसंगति बा जोन घरेलू हिंसा पर कहल जी कितना सास से और कितना तौन पतो से सास पीड़ित बाटी और कितना तौन हमन के श्रीमान से श्रीमती यानी कि मर्द से मेहरारू और कितना जगह में कहल जा कि मेहरारू से मर्द भी पीड़ित बाटी ते हर किस्म के जो हमन के घटना घटत बा घरेलू हिंसा बा हमारे कह सकल जी मानसिक टॉर्चर बा मानसिक दबाव बा ते इस सब संबंध में आप एक समाज से भी रह गई बा हमन के समाज में ये जोन है विकृति विसंगति बा एक बारे में कुछ बता चाह जी हमन के समाज में बाल विवाह प्रथा रहे अब वो हट गए बा कले कले हटते जात बा अब रह गए ब्याह के दाइजो प्रथा अब दाइजो प्रथा में अब मांगत बाटे हमन के समाज में विभिन्न किस्म के मांग करत बाटे मोटरसाइकिल हो गए और दहेज चाही सिगर चाही दक्षिण भेग से आयल बा ये जो दहेज प्रथा बा आपके विचार में कैसा लागत है हमारे विचार में तो नहीं ठीक हो एक कल्ले कल्ले हमरे हटाए के कोशिश कर जाए। हाँ तो जिससे कितना जो जो लड़की वाले रहने कहने की अपन बिटिया के खुश बनाए खाते हमारे दहेज दिहाल जाता और कहन के भविष्य बड़े हो के ते आपके विचार में का हमारे दहेज दिहाल जीते बिटिया खुश रह सके जिस लात नहीं कबो नहीं खुश रही दहेज दे के बिटिया कबो नहीं खुश हुई है हमारे सगे समान दहेज नहीं दे के हाँ ते जिससे अब दहेज नहीं दहले पर शादी ब्याह भी हक नहीं सके कि घर से माने अब बात आ का होती है आखिर तो एक लिए हमरे दहेज न देहल जा एक दहेज रोके खातिर हमरे अपन बिटियन के भविष्य बनाए खातिर हमरे समाज से हटाए पड़ल दहेज पर था हमरे बढ़ियन पढ़ल लिखल हमन के लड़का लड़की बानी बेहरा ये सब था उनमें हम घर परिवार जैसन अपन माया ममता दोनों तरफ ही से होक चाहिए ये हम के सबसे बढ़िया हो। हाँ तो उसे हमारे लड़की के दहेज ना दे के ओखन के क्वालिफाइड बना दल जा कौन सी सिखा दल जा या पढ़ा लिखा दल जा कल की मतलब आपकी हाँ तो उसे हम के जो ना अब कितना जने रहने की बिटिया अपन ही कितनों क्वालिफाइड रही है जिसे अब आजकल कहा जाए इंटर बैचलर थे एठू नॉर्मल बात हो गई बा डिग्री तक के चुकल बाटे हमन के घर के जो है एठू बहन बीटिया बाटे तो उस सब एठू डिमांडेड हो जाने की कहरों से अब कुछ नहीं चाहिए कि बाकी कितना जन रहने की लड़की अपन ही अब घर के मातारी बाप कितना मेहनत से ओखन के पढ़ा लिखा दहले रही हैं या कौनों सी भी ठड़िया के ओखन घोड़े पर ठड़िया सकले रही हैं बाकी इनका ओखन से भी एक ठू कथी आत की अपन घरे से मातारी बाप से हमार शादी में है चीज चाहिए के ते कितना हद तक ठीक होते हैं तो ये पढ़ा लिखा के बाप महतारी आगे बढ़ेने हमन के ये जो एक ठो विकृति देहने बाप महतारी बढ़ियन दहेज नहीं मांगे हमरे अपने से सोचे क्षमता हो कि आज हमार बाप महतारी हमें आज यहाँ तक अल्प गए ने आज हम दहेज कहल के न मांगी हम एक अपने के लिए खुशी होए के मारे दहेज न मांगी कह के
हमन के आप भी जिस जगह में जिस मुद्दे मामला तमाने समस्या जो हमन के गांव घर में घटना घटत रहते एक आप सही पक्ष में निर्णय कर जाते ये खुशी की बात हो ते यदि आप के जगह में यदि दहेज के बात उठे ते आपका कह सा जिससे अब दहेज लेना कोनो आपके जिसे बेटे कहा जा घर के कोनो बा ते दहेज लेना बात में आप कौन हिसाब से निर्णय कर जीते हम एक दहेज नाई देहेक कही के निर्णय करब दोनों पक्ष के हम समझाए दहेज नाई मांगल ठीक हो हमरे दहेज नाई मांगे चाहे एक न्यूनीकरण करल जा आस्ते आस्ते एक न्यूनीकरण करते जाइल जा कही के हमारे सुझाव सलाह आते उसे जो है कितना जने बाटे कि लड़की लोगन बाटे कितना हमन की बात सुने पड़ते कि हमन के मातारी बाप से अपने उके का डिमांड करिए कि हमन के पढ़ा लिखा दाले से ठीक दहेज दाले ठीक ते उस सब के खातिर जे एठू धन के लिए मरद बा जोन लड़की बाटे ओकन के खातिर का कह सकता जीते जे पढ़ाई लिखाई पे कोनो सिर से मतलब नहीं करत बा और जे दहेज में मतलब करत बा ओकन के खातिर का कह सकता जी ओकन के खातिर हम सर का कहे चाहत थे कि पढ़ाई लिखाई हमन के भविष्य के लिए पढ़ाई लिखाई हो आ दहेज दूसरे से लेके हमन के कबो कुछ नहीं हुई जब अपने हमरे कमा के अपन कमाई से कोनो चीज भी बनाइल जा दूसरे के दहले से हमन के कुछ नहीं हुई अति हमन के असर सब समाज बना के खातिन आप एक ठो समाज से भी रह गिल बा जो हमन के महिला लोगन के अगुआ रह गिल बा ते समाज और बढ़िया बना के खातिन हमन के असर बना के खातिन का कैसन कार्यक्रम गाँव घर में करे आवश्यक बात है ताकि हमन के जो समाज के विकृति विसंगति बा हट सके अब ये विकृति हटाए के लिए हमरे महिला अभियान अभियान गांव घर में चलाइले ठीक रही जैसे हमें लागा साथे वैसे इतना करी हमरे देखा जाता कार्यक्रम संस्कृति सरोवर और हमन के आज के अतिथि बाटे हमन के एक समाज सेवी रीता चौधरी और हमन के कैमरा पर्सन नारायण के साथ में ते आप देखते रह जी वैसे बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन अते वैसे हमन के जो तमाम जगह में हमरे घटना ऐसे देखे पुगल जात और सुने भी पुगल जात ते एक ठो दुख के बात हो ते हमन की जोन है दहेज में अब कितना जन एक ठो धने पर मरद बाटी और ते ओखन के जे दहेज लहले बा ओखन के मोह माया ममता एक ठो अपन मेरारू पर कितना रहेगी के आपके विश्वास बते हमें कैसा हमें विश्वास बा कि जे आने से दहेज मंगलस आने से धन संपत्ति मंगलस उहे धन संपत्ति पर ओकर माया ममता रही आ अपन परिवार पर नहीं लागी उतना माया ममता जैसन हमें लागत सर हाँ तो गाँव घर में तमाने हमन की घटना घटत रहा जिससे एक कि अब दहेज के कारण से एक मर्द से भर ना होके जो हमन के एक ताना कहा जी ना बड़े व्यवहार कहा जी ननद से भी भौजाई के और साथ में जाके सास से भी और ससुर से भी कितना मानसिक पीड़ा सहिक पड़ते एक टू पतोह के हर एक हिसाब से व्यवहार में ते ओखन के खातिन जे नाई बढ़िन व्यवहार करत बा जोन के एटू ननद काल जा एटू सास काल जा ससुर काल जा ओखन के खातिन कौन बात कह चाहत जी अब एकर खातिन हम का कहे चाहत थी सर की अपन बाप महतारी जैसन पतोह माने ननद बहिन जैसन सास बिटिया जैसन कही के एहमे सबके ननद सास पतो सबके हमें सहनशीलता हो के मिल मिलाप हो के अपन महतारी समान हो के रहे परी तब हम के भरखे समाज सुधरी एक ठो घर परिवार के बढ़ियन विकृति हुई हाँ विकृति हमारे हट सका हटा सके ते मन की जो गांव घर में तुम्हारे प्रकार के विकृति फैलत बा ती हमारे कौन माध्यम से हटा सके जी सन लगत हमन के उपाय का हो सके अब के हमन के युवा लोगों की भूमिका का हो सकी थी अब युवा लोग के भूमिका सर अपन समझाए पड़ल अपन बाप महतारी के अपन परिवार के समझा बुझा के मिला के रखे पड़ल युवा के कर्तव्य हो सर ते हमन के युवा लोगन भी लागे का आवश्यक बा हाँ हाँ तो वैसा ना जिसे आप एक महिला हो के आपके गांव घर में टोल में
कोनो ऐसन संजाल नाइ बना लिल बा कि हमन के जोन गांव घर में घटना घटत बा या हमन के महिला लोगन पीड़ित बाटी हर हिसाब से कहल जा घरेलू हिंसा कहल जा या हमन के कोनो के दबाव कहल जा या कोनो अब हमन के दहेज प्रथा से पीड़ित होए तमाने मेर के दबाव आद बा ते ओखन के बढ़िया बनाए के करतीन या समाज की विकृति हटा के खातिन कोनो ऐसन महिला लोगन के संजाल बनाने लिल बा गांव घर में संजाल ते नाइ बनाइल बा सर बकीर हमरे पूरा अपन हिम्मत जोश जागर से कैसे होई ई समाज के घरेलू हिंसा जौन बा घरेलू हिंसा जौन करत बाटे ओके हमरे हटाए के लिए एकदम लागू पर के सलाह दे के होई कैसन के होई कही के हमरे एकदम हटाए के कोशिश कर जाता हाँ अब कितना जने मैंने कहानी कि एक ठू जौन दहेज बामन के पहले के चाल चलन हो गई की कहानी अब जैसे पहले ते अब ले दे जब आइला वो अब नाई छुट्टी कहके बकिन का एक और जो अग्र रूप हमें देखा जाए पहले ते अब जो हमन के बाइक मांग चलाते ना रहे बकिन का आजकल कुछ दो चार वर्षों से कहो कि सीधे हमन के एक बाइक मांगे चलन बढ़ गल बा ते वास्तव में हमन के समाज में नाई ठीक हो हमारे एक हटाए के आवश्यक बा हमारे ई वलगन ते वैसे हमन के जो है समाज और बढ़िया बनाए के खातिन जिससे अब हमन के पहले के संस्कृति सब गलत हो गई कि हमारे मानिक नहीं सके कुछ ओमा भी बढ़िया सच्चाई रहे कुछ ते हमन के ई जौन चाल चरण बा और हमन के ई संस्कृति बा संस्कृति कैसे बचा सके हमरे अपन संस्कृति अब जौन हमन के पहचान बा अपन पहचान के खातिन दहेज न मांगल जा पढ़ाई लिखाई बढ़िया से शिक्षा दीक्षा दे के बढ़िया शिक्षा लेहल जा एक ठो बढ़िया शिक्षा ले के ई समाज के लिए कैसे करे पड़ी एक ठो घर परिवार के लिए कैसे करे पड़ी ई हमन के समाज से हटाए आते धीरे धीरे हमन के समाज से जो हमन के संस्कृति धीरे धीरे लोप होते जात बा जिससे हमन के हर जगह हमन के भाषा भी धीरे धीरे लोप होते जात बा हमन के पोशाक भी रहन सहन पहन भी लोप होते जात बा ते एक संबंध में भी जब आप एक महिला अगुआ रह गई बा ते में कुछ ध्यान दे गई बा हाँ हमें एकदम ध्यान दे बाटी हमरे अपन पहचान बचावल जा अपन जन संस्कृति बा जन वेशभूषा बा ओके बचावल जा एक आलोप न हो दे जा कही के हम एकदम कोशिश कैले बाटी आते वैसे हमन के महिला आगे बढ़े के खातिर पुरुष के भी हाथ रहत हाँ ते जो न पुरुष लोगन भी कितना महिला के सहयोग करने कितना जनाई करने और हमारे देखा जी कि इतना महिला महिले के गोड़ तानने ते उस सब के खातिर जे दूसरे के गोड़ तानत बा यानी कि ओकर प्रगति देखे नहीं चाहत बा ओखन खातिर का खा जीते चाहे महिला या चाहे पुरुष हमरे महिला पुरुष बराबर होए पड़ल दोनों जन के जब साथ सपोर्ट रही तो हमरे आगे बढ़ सकल जाए अपन पहचान खातिन लड़े सकल जाए दोनों जन के साथ सपोर्ट चाहिए हाँ ते वैसे इतना गरी हमरे बातचीत कर जब कार्यक्रम संस्कृति सरोवर और साथ में आटी हम राज ऐसे नमन के आज के अतिथि एक समाज सेवी रीता चौधरी और हमन के कैमरा पर्सन नारायण के साथ में अति ओसे हमन के समाज में रहल विकृति विसंगति हमरे कैसे हटा सके जौन के हमरे विकृति विसंगति हटा के असल और सभी समाज के निर्माण कैसे हो सके एक समाज में हमरे चर्चा कल जत ते आज भी हमरे हमन के समाज में एकदम आजकल के जौन हमन के समय बा हटक न कि बढ़ते जात बा हमन के दहेज प्रथा दिन प्रतिदिन हमारे ये घटना सुने के पाल जात बा जौन कि हमन के समाज में एकदम न बढ़िन रूप में आगे बढ़ते जात बा एक संबंध में हमारे आज चर्चा कर जात बा ते जौन हमन के समाज में कितना भ्रमित बाटे कि अपन बिटिया के कितना पढ़ात बाटे बकिन के कितना जन सोचत बाटे कि आखिर बिटिया के कौनो सिर्फ सिखा देव या पढ़ाऊ देव तब पर भी दहेज दे ही परी बिन दहेज धले ते ब्याह नहीं हुई कितना जन के दिमाग में अभिन भरमत बा ते ओखान के खातिर का कह चाल जी जो कि पुराने एक ठू सोच में बाटे हैं कि अब पढ़ा के का हुई हमारे कितना जगह गाँव घर में देखा जात बा कि पढ़ा दे तब वो दहेज दे ही परी हमन के डबल खर्चा ते ओखान के पढ़ाई लिखाए से या कोनो चीज़ सिखाए से अपन बिटिया के वंचित कर दे बाटी ते ओखान के खातिर का कह चाहत जी ओखान के हम कहे चाहत बाटी कि हमारे पुरान जमानक जो सोच रहे ओके हटावल जा अब हमारे नया सोच लान के
अपन बिटियन के भविष्य बनाए खातिर मजा से पढ़ाई लिखाई जा कोनो सीप सिखाई जा कोनो सीप सीख के एक ठो समाज सेविक बन के हो एक ठो अपन सीप रही ते उ कोनो भी काम कई के खाए सकी। हाँ ते उसे हमरे एक अलग प्रसंग जोड़े के चाहते कि हर जगह में जो कार्यक्रम होते या कहीं से कहीं भी कोनो संस्था या हमन के गांव टोल छर सीमिक हो कहीं से बजट निकाल के कोनो कार्यक्रम करा था तो बकिंग के कितना हमारे देखा जाता कि बजट पचाना खेल भर करत कि खान पीन में भर वो कार्यक्रम उड़वा देने वो पैसा उड़वा देने जोन कि हमन के जोन चीज़ के खातिर वो कार्यक्रम करे हो वो कार्यक्रम ना कह के खान पीन में उड़वा देने वो पैसा कल के मतलब कि कोनो भी चेतनामूलक कार्यक्रम हो कितना जगह जैसे खिचड़ी कार्यक्रम होता अन्य कार्यक्रम बकिन का वह कार्यक्रम में खान पीन में पैसा उड़ा देने हमन के कौन भी कार्यक्रम कर जा बकिन का चेतना फैलाने हिसाब से नाई करे खोजने जैसे कि अब हमारे खिचड़ी कार्यक्रम कर जा माघी कहा जा या हमारे अन्य कार्यक्रम कर जा बकिन का वो कार्यक्रम से हमन की समाज में कैसन प्रभाव पड़ते वो और ना जाके कि हमन की समाज में कौन कौन विकृति बा एटू अनुसंधान न करके एटू खान पीन में भर कार्यक्रम उड़वा दें तो उस सबके खातिर कुछ संदेश देख चाह जी ओखान के संदेह देह ते हम का चाहा थी कि जौन खर्तिन हमरे लानल गईला आय मूलक सीप मूलक तालीम के लिए हरेक किस्म के तालीम बाटे सीप सीखे उ हमरे जौन बजट लानल गईला सही ठाम में सदुपयोग करल जा सबके बाल बच्चा बाटे दीदी बहनी बाटे एठो सीप सीखे पही सीप सीख के अपन गोड़े में ठढ़िया सकही अपन परिवार से हाथ पसारे नहीं रही कही के अब बढ़िया जब सीख ले ही अपने से हम करे सक ले ली हम सक्षम हो ली कही के एक ठो आत्मा बल रही ये हम कहे चाहते अब हमरे फिर अब कार्यक्रम के एकदम अंतिम और आगे की बात हमन के जो महिला लोगन बाटी या मातारी बा बाटी अपन जो बिटिया के एठू अभी तक भ्रम में बाटी कि हमन के कौन सीख सिखा के का हुई कह के अब दूसरे घरे जाके एक ठू बढ़िया मासी गोबरे काढ़ी ते उखान के कौन सीख सिखा से वंचित कह देने और उखान के उ बाप महतारी के खातिर आप कुछ कह चाह जी तो हम उ बाप महतारी के कहे चाहत बाटी कि अपन बिटिया के लिए सबसे ते पढ़ाई जरूरी बा पढ़ा के ओखन के भविष्य हमन के बनाए जरूरी बा इ न सोचे कि हम पढ़ात बाटी हमार बिटिया गोबरे काढ़ी कही के उ कबो नहीं सोचे चाहे हमरे पढ़ाइल जा बढ़ियन से शिक्षा दीक्षा देहल जा बढ़ियन सीप सिखाइल जा हम बिटिए भविष्य बनाए के खातिर। हाँ तो आजकल हमरे देखल जा कि कितना युवा लोगन जो विदेश पलायन हो क्रम जारी बा ते भी हमन के हटाए आवश्यक बा ते हमन के युवा लोगन सकबर हमन के समाज के विकृति कैसे हट सके ये भी हमन के ये उपाय खोज के हमन के निर्मूल करे के आवश्यक बा ते अभी आज जो है अमूल्य समय दल गई और हमन के जो समाज के विकृति विसंगति हो एक बारे में आप चर्चा कर खुशी लगल ते अंतिम में हमन के दहेज से जो पीड़ा देत बाटी जे पीड़ा देत बा ओखान के खातिर कुछ कह चाह जी अंतिम में ओखान के का कहे चाहते हम सर की जौन ई दहेज के विकृति बा एक ठो हमन के युवा लोग पढ़ल लिखल भी हो के नहीं सोच पात बाटे कि हम दहेज केहू से मांगत बाटी काहे मांगी विदेश जात बाटे विदेश न जाके अपन यही बढ़ियन से काम धाम करही तबो हमन के यही बढ़ियन कमाई बा। हाँ तो वैसे आप अमूल्य समय धरके करते आपके हृदय से धन्यवाद देख जात बा धन्यवाद। हाँ तो वैसे हमरे इतना गरीब बातचीत कर गिल समाजसेवी रीता चौधरी से तो वैसे हमरे बातचीत करते विद्यालय समय हो गई बात आप देखल गिल कार्यक्रम संस्कृति सरोवर और साथ में हम राज चौधरी ऐसे हमन के आज के अतिथि रीता चौधरी और हमन के कैमरा पर्सन नारायण उन्हों के बीच धन्यवाद और आप देखल गिल कार्यक्रम एक कृति भी आपके देश से धन्यवाद ऐसे देखते रह जी बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन ये कहते हम रात भी आपसे विदा होती नमस्ते।